اقرا اخيها ورتل القران اصبح بصوتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته آسان فهم قرآن इसके बीसवें सबक़ के लिए मैं आपको ख़ुशामदीद कहता हूँ और इस सबक़ में हम दुआएँ सीखेंगे दुआएँ शुरू करेंगे सोने से मुतालिक की दुआ से शुरू करते हैं और ग्रामर में आमीला और रहिमा की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ तालीम या शौक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात इन उसबा को पढ़ते आ रहे हैं सीखते आ रहे हैं इन उन्होंने अब तक तकरीबन तक 200 सौ अलफ़ाज ऐसे सीख लिए जो क़ुरान करीम में तैतीस हज़ार बार से ज़्यादा आए हैं और इस सबक़ में भी आप तकरीबन पंद्रह अल्फाज ऐसे सीखेंगे जो सात सौ बार आए हैं कुरान करीम में हर सबक में अलहदुल्ला हम मज़ीद तरक्की पाते हैं हर सबक हमको कुरान से करीब कर रहा है हमने इब्तः की थी नमाज से नमाज के अजगार से ख़ास नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों से शुरू हमने किया सूर फातहा से उसके बाद छः सूरतें की, सूरत असर सूरत अकाफिरन उसके बाद और अखलास फलक और नास। ये सूरतें थीं कुरानी उसके बाद हमने वज़ू से शुरू किया हमने वज़ू के बाद की दुआ नमाज के शुरू करने की दुआ सुबहानक हमदा व तबार कसम का वतआला वत्वार जदका वला उसके बाद हमने रुकु सजूद की तस्वीर ली तशाह लिया दुरूद लिया और दरुद के बाद की दुआ पढ़ी ये दुआएं आप रोज़ाना पढ़ते हैं यह अजगार आप रोज़ाना पढ़ते हैं इनशा जैसे जैसे आप इसको समझेंगे वैसे वैसे क़ुरान भी आसान होता चला जाएगा दुआ से हम शुरू करते हैं आज सोने की दुआ से अल्लाहुम्मा बिस्मिका हमू व अहया अल्लाहुम्मा, यानी ए अल्लाह अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह बिस्मिका तेरे नाम से बी यानी से इसम नाम का तेरा बिस्मिका तेरे नाम से योर नेम तेरे नाम से बिस्मिका अमूतु मैं, मैं मरता हूँ माता मातु मित्ता मितु मितु मितना यमुतु तो यमु तु ना तमो तो हम इसको सीखेंगे आगे अमूतु मैं मरता हूँ आउदु मैं पनाह में आता हूँ अफाल अशहदु आबुदु अमूतु मैं मरता हूँ माता वो मरा बिस्मी बिस्मिका अमूतु व अहिया अहया मैं ज़िंदा होता हूँ तेरे नाम से मैं मरता हूँ और तेरे नाम से मैं ज़िंदा होता हूँ जीता हूँ और उठने की दुआ है अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर अल्हम्दुलिल्लाह, अलहद यानी तमाम तारीफें और दूसरा माना शुक्र का इस वक्त हम सोकर उठे हैं अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है नया दिन हर दिन गोया हमारे लिए एक यूनिट है नया यूनिट मिला है हमको तो अल्लाह ताला का हम शक्र अदा कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाह अल्लाह के लिए हैवि अल्लदी यानी जिसने जिस अल्दि जिसने आहिया ना जिंदा किया हमको आहिया जिंदा किया ना हमको अहिया जिंदा किया ना हमको अहिया ना जिंदा किया हमको बाद मा अमातना बाद बाद उर्दू का बाद है माँ यहाँ पर के के माने में आता है बादमा बाद, बाद इसके के या बाद के अमातना यहाँ पर इब्तिदा में आप इसको बाद यानी बाद ले लीजिए फिल वक्त अमातना मारा उसने अमाता मारा असल में माता मर गया अमाता मारा खराजा निकला अखराजा निकाला नज़ला उतरा अनजला उतारा ये हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह अमाता उसने मारा ना हमको अमाता उसने मौत दी ना हमको बाद अमाता बाद के मौत दी उसने हमको व व और इलैहि उसकी तरफ अल्लाह की तरफ इलैहि उसी की तरफ अन उठकर उठ कर जाना है अन उठकर जाना है अन उठकर उठ कर जाना है आज हम नींद से उठे हैं कल हम कब्र से उठेंगे और उस कब्र की याद अभी से याद दिलाई जा रही है देखिए दुआओं में हम हमेशा अल्लाह से ताल्लुक़ को और आखिरत से मुलाकात को ये हमेशा याद करते हैं अल्फाज को हमने देखा जैसे अलह बिस्मी का अमू तो अमू तो मैं मरता हूँ अर्दू मैं पनाह में आता हूँ इसी तरह अहियाना उसने ज़िंदा किया हमको हम आते हैं माँ की तरफ ख़ास माँ इससे पहले हमने सीखा माँ का एक माना है नहीं और अरब वर्ल्ड में अगर आप जाएं आपको ज्यादा अरबी नहीं आए तो आप फी और माफ़ी से काम चला सकते हैं अक्सर लोग जिनको अरबी नहीं आती वो फ़ी और माफ़ी इतना ही जानते हैं फी यानी है इन दर में है उसमें है माफी नहीं है उसमें नॉट इंदर फी मतलब है असल में मे है फी मतलब में माफ़ी उसमें नहीं है माँ यानी नहीं तो ये एक माना है माँ का दूसरा माना माँ का है वाट कुरान करीम में माँ दो हज़ार एक सौ पचपन बार आया है उसको भूलना नहीं है कितने बार दो हज़ार से ज़्यादा बार तो दूसरा माना है माँ का वाट अंग्रेजी का वाट जो है शुरू में आए तो क्या होता है बीच में आए तो जो जैसे हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं आई एम डूइंग व्हाट यू आस्क मी टू डू मैं वो कर रहा हूँ जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था तो वाट शुरू में आए तो क्या बीच में आए तो जो इसी तरह अरबी में माँ शुरू में आए तो क्या बीच में आए तो जो शुरू में आए तो क्या इसकी मिसाल क्या है दो सवाल याद रखिए खबर के पहला सवाल क्या है मन रब का कौन है तेरा रब मन रब का कौन है तेरा रब और कुरान करीम में मन भी आठ सौ बार आया है हा? बहुत अहम है मन यानी कौन शुरू में आए तो कौन बीच में आए तो जो माँ शुरू में आए तो क्या बीच में आए तो जो इसी तरह कैफा शुरू में आए तो कैसा बीच में आए तो जैसा व लदी फिल अरहामी कैफ ऐशा वो अल्लाह ही है जो तस्वीर देता है तुम्हारी तस्वीर बनाता है तुम्हारी फिल अरहाम माओ के पेटों में कई फा जैसा वो चाहता है कैसा नहीं जैसा वो चाहता है तो कई फा शुरू में आए तो कैसे बीच में आए तो जैसे तो माँ का मतलब क्या है और बीच में आए तो जो है ठीक है उर्दू में जो का माना इस्तेमाल होता है जैसे मातहत हम कहते हैं उनके मा तहत हैं मा तहत यानी जो नीचे है जो तहत में है तो माँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ठीक है और यहाँ पर और एक माँ देखा हमने बादमा अमातना इसका मतलब है के ये एक और माना है चौथा माना है के कुरान में है मुम्बा दा वल इसके बाद के जुल्म किया उन्होंने या मम्बादि तबैया इसके बाद के वाज़े हो गया उनके लिए हक तो माँ का ये एक माना है के कुरान में आ रहा है और ये रेफरेंस याद रख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अलवी जिसने अहयाना जिंदा किया हमको बाद अमातना, बाद के मौत दी हमको इलैहि नशर और उसी की तरफ उठ कर जाना है सोने की एक दुआ में है वह मसीर लौट कर जाना है सोने के वक्त ऑलमोस्ट हम लौट रहे हैं वह मसीर उठने के वक्त वही नशोर उठ कर जाना है आज हम दुनिया में उठ रहे हैं कल हम आखिरत के लिए उठेंगे ये दुआएं ऐसी रैंडम नहीं हैं एक एक लफ्ज़ उसका अल्लाह ताला की तरफ से रसूल के ज़रिए हमको मिला है रसूल की बेसत के मकासद को दो ज़ुमलों में भी बयान किया जा सकता है मुख्तलिफ़ तरीक़े से बयान किया जा सकता है दो अंदाज़ में इस तरह बयान किया जा सकता है कि आपका मकसद ये था कि बंदे और अल्लाह अब और मबूद बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ को सही किया जाए यानि हम बंदे हैं और वो अल्लाह है वाहिद ये आपके मिशन का पहला काम था और दूसरा था इस ताल्लुक़ को क़ायम और दायम रखा जाए लाइव किया जाए हमेशा जिंदा रखा जाए तो माँ का ये एक माना है कि कुरान में आ रहा है और ये रेफरेंस याद रख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अलवी जिसने अहयाना जिंदा किया हमको बाद अमातना बाद के मौत दी हमको वह इलाही नशोर और उसी की तरफ उठकर जाना है सोने की एक दुआओं में है वह मसीर लौट कर जाना है सोने के वक्त ऑलमोस्ट हम लौट रहे हैं वह मसीर उठने के वक्त वहीशूर उठ कर जाना है आज हम दुनिया में उठ रहे हैं कल हम आखिरत के लिए उठेंगे ये दुआएं ऐसी रैंडम नहीं हैं एक एक लफ्ज़ उसका अल्लाह तरफ से रसूल की ज़रिए हमको मिला है रसूल की बसत के मकासद को दो जुमलों में भी बयान किया जा सकता है मुख्तलिफ़ तरीके से बयान किया जा सकता है दो अंदाज़ में इस तरह बयान किया जा सकता है कि आपका मकसद ये था कि बंदे और अल्लाह आब और मबूद बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक को सही किया जाए यानि हम बंदे हैं और वो अल्लाह है वाहिद, ये आपके मिशन का पहला काम था और दूसरा था इस ताल्लुक़ को कायम और दायम रखा जाए लाइव किया जाए हमेशा ज़िंदा रखा जाए आप दूसरे मजाहिब की तारीख पढ़ लें उनके बानियों की तारीख पढ़ लें या उनके फॉलोअर्स को देख लें जिस हद तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया है न सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक को सही किया बल्कि इस ताल्लुक़ को ऐसा हरा भरा और मुसलसल दायम कर दिया कि उठते बैठते सोते उठते जागते खाते पीते हर जगह अल्लाह का नाम है हर जगह वो ताल्लुक़ जो है आपको नज़र आता है चाहे वो कोई मौका हो हर जगह आपने हर मौक़े के लिए आपने दुआ सिखाई ये मजदा है आपकी सीरत का या आपकी सीरत के एक पहलू का एक और दुआ जो हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको दिलचस्प पहलू बताना चाहता हूँ बाथरूम से निकलते हुए हमाम से निकलते हुए बैतुलखला से निकलते हुए एक दुआ है ग़रान का गफ़रान का यानि मैं तेरी मौफरत चाहता हूँ गफरान यानी मौफरत का तेरी गुफरान का मौफरत तेरी यानी मैं तेरी मौफरत चाहता हूँ गफ़रान का मैं तेरी बख्श चाहता हूँ आप मुझे ये बताइए कि हमाम से निकलने का मौफरत से क्या ताल्लुक है क्यों इस वक्त ओफरान का के आए बताइए ये एक तशरी है कि जब हम बाथरूम में थे हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सके और कोई कैरत है ठीक है ये एक पहलू है एक हायर तशरी है हमारी ज़िंदगी इस तरह गुजरनी चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र हमेशा कर सकें और जब हम बाथरूम में जाएँ तो चूँकि जिक्र नहीं कर सकते इसलिए जब बाहर आएँगे तो हम कहेंगे गौफराना का तेरी मफ़रत चाहिए हम कहेंगे एक आम आदमी के लिए एक बहुत ही प्यारी इब्ताई तश्रह है जिक्र का वो पहलू होना चाहिए कि आदमी की ज़िंदगी में हमेशा जिक्र जारी व सारी रहे लेकिन उस स्टेज पर पहुँचने से पहले भी एक बहुत ही प्यारी तशरी इसकी है गौफराना का की और वो ये है कि जब इंसान खाना खाता है खाने के बाद सारा जो है उस गज़ा को यूज़ कर लेता है उसका ख़ून बन जाता है और वो सब इस्तेमाल करने के बाद जो फ़जला है बेकार चीज़ है वो निकाल देता है निकालने के बाद बाथरूम से बाहर आकर कर का जब कहता है तेरी बख्शिश चाहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह तूने खिलाया मैंने खा लिया मजा कर लिया और जो तूने खिलाया था उससे जो एनर्जी जो ताकत मुझे आई थी दुनिया में चला फिरा दौड़ा कूदा सारा मजा ले लिया और फुजले को निकाल भी दिया एक साइकिल कंप्लीट हो गया मगर जैसा शुक्र तेरा करना चाहिए था वैसा नहीं कर सका इसलिए मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ कि खाया पिया निकाल भी दिया फुजले को लेकिन वो शुक्र नहीं कर सका जैसा कि तेरा शुक्र करना चाहिए था इसलिए मैं तेरी बख्श चाहता हूँ अब देखिए आप कितने प्यारे अल्फाज हैं इस पर गौर करना चाहिए कि कैसे अल्फाज आपने सेलेक्ट किए हैं और क्या हमत है उसके पीछे इस सोने की दुआ के बारे में हम कहेंगे अल्लाहुम्मा बस्मी अमूत व अहया इससे क्या पैगाम मिलता है ए अल्लाह तेरे नाम से मैं मरता हूँ और तेरे नाम से जीता हूँ इसको एक मिसाल से समझिए जब बात समझ में आएगी मसलन एक बूढ़े वाल हैं उनका एक जवान बेटा है सुबह सुबह घर से निकल जाता है और रात के 12 बजे घर लौट आता है और आकर कहता है अब्बा जान अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम आपके नाम से मैं जीता हूँ आपके नाम पे मैं मरता हूँ जाता है सो जाता है ये नहीं पूछता कि आपने क्या खाया क्या पिया बूढ़े वाले कुछ नहीं कर सकते कैसा दिन गुज़रा आप क्या कहेंगे इसको उस इंसान को लीजिए जो सारा दिन कुछ और करता है और सोते वक्त कहता है अल्लाह बिस्मी का मुँह तो आहया ये कैसा मरना और जीना है अल्लाह के नाम पर मरना और जीना किसको कहते हैं बाल्फाज दीगर इस दुआ के अल्फाज को दोहराते वक्त हमें याद करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के नाम पर गुजर रही नहीं दिन भर जो मैंने काम किया उसका हाल कैसा था एहतसाब करें अगले दिन के लिए प्लान बनाए कि अगला दिन जो कल इनशा मिलने वाला है उसमें मेरा हाल क्या है क्या होगा यह है अल्लाह के नाम पर मरना और जीना किसको कहते हैं मैं तेरे नाम पर मरता हूं क्या मतलब है हर एक्टिविटी मेरा हर अमल तेरे लिए वक्फ है यह मतलब है इसी तरह सो कर उठने के बाद बाद में अमातना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने अना जिंदा किया हमको बाद के अमातना मौत दी उसने हमको वह अलही नशुर और तेरी तरफ पलट कर जाना है अब जिंदा किया तो उसी वक्त हम अपना एहत भी कर सकते हैं कि कल जिंदा किया था क्या किया था अब क्या इरादा है अब जिंदा किया है इस नमत का प्लान क्या है शुक्र किया किस लिए अब जिंदा किया किस लिए बदकारी करने के लिए नवाज ला नाफरमानी करने के लिए बिल्ला नहीं एक मोहलत दी है और करीब होने के लिए तो प्लान बनाया और इस बात की तबलीग भी करें अब मैं गुजारिश कारी इमरान खान से कि वहाँ आए और आपको इन दुआओं के अल्फाज की प्रैक्टिस व वरह अल्लाहुम्मा باسمك أموت, وأحيا. باسمك اموت واحيا اللهم باسمك اموت واحيا اللهم باسمك اموت واحيا الحمد لله الذي احيانا, احيانا بعدما اماتنا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور وإليه النشور اللهم بسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت وأحيا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور, واليه النشور واليه النشور اللهم باسمك اموت واحيا اللهم باسمك اموت واحيا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا विलई अन ज़कम खैर अगर आपको दुआएँ याद नहीं हैं नाजरीन तो हमने इस बात की कोशिश की कि इसको दोहराएँ बार बार ताकि आप दुआ भी याद कर लें और साथ ही साथ उनके मानी भी इनशा आपसे अगले सबक़ में फिर मुलाकात होगी यही नीयत कीजिए इनशा कि हम अगला सबक़ ज़रूर देखेंगे और इस तालीम को मुसलसल जारी रखेंगे सुबह अल्ला बहमदी सुबह न्मा व बहमदी का नषद वन तस्तफ़रक मनतुबिल्ख वामक वरम वबरक with it